हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। डू एनी 5 क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपने कोरोना टाइम देखा था, और अभी जो डू एनी 5 क्वेश्चन पेपर पैटर्न आया है, बच्चों ने जो किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, उन्होंने या तो यूट्यूब पर देखा है या फिर उनको जैसे तैसे पता चला है कि सीबीएल यूनिवर्सिटी में डू एनी 5 क्वेश्चन पेपर मतलब आपको इस टाइप से अटेम्प्ट करना है कि पूरे पेपर में से कोई भी 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई कंपल्सरी क्वेश्चन नहीं। तो ये जो न्यूज़ है, ये बच्चों ने जहाँ से भी देखी है, जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं, मतलब जिनके यूनिवर्सिटी CBLU नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ CBL यूनिवर्सिटी में ये एग्ज़ाम पैटर्न है, ओके, बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है। CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी, सिर्फ इसमें ही एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है। और ये भी क्यों दिया गया है, क्योंकि इनके जो एग्ज़ाम्स ओल्ड सेमेस्टर्स के कंप्लीट हुए वो हुए थे March 1st में, समझ गए। तो फरवरी लास्ट में तो इनके शायद स्टार्ट भी नहीं हुए थे, और मार्च आई थिंक कंप्लीट ही मार्च हो गया था, और इनके एग्ज़ाम बहुत लेट हुए, तो इनके पास इतना टाइम नहीं मिला है कि पूरा सिलेबस ये कवर कर सके। इसलिए यूनिवर्सिटी की तरफ से ये नोटिफिकेशन दिया गया है कि बच्चे जो है वो केवल 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, कोई यूनिट बाउंडेशन नहीं है, कहीं कोई कंपलसरी क्वेश्चन नहीं है। तो कोई भी 9 में से आप कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, अंडरस्टैंड। तो ये ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो CBL यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है उनके लिए ये एग्ज़ाम पैटर्न नहीं है, आपके लिए वही है जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं, या पहले जो कोरोना से पहले जो होता था वही एग्ज़ाम पैटर्न है। अब इसको कैसे आपको पेपर, जो भी स्टूडेंट देख रहा है वीडियो को और जो CBL से बिलोंग कर रहा है, तो उसको कैसे क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है ये देख लेते हैं। हमें बोला गया कि कोई भी 5 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कीजिए, कोई भी 5 क्वेश्चन, कोई यूनिट की बाउंडेशन नहीं, कहीं से भी 5 क्वेश्चन उठाओ। अब 5 क्वेश्चन का मतलब समझिएगा आप, 5 क्वेश्चन का मतलब है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का ए और बी पार्ट होता है, तो दोनों पार्ट्स को मिलाकर कंसीडर किया जाता है 1 क्वेश्चन, ऐसा ही है, दोनों पार्ट्स को कंबाइंड करके ही 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है। अब ये कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए, जिन बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि डू एनी 5 में क्या हम यहाँ से ए पार्ट कर सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन का हम बी पार्ट कर सकते हैं, तो क्या हमारा एक क्वेश्चन कंसीडर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान से सुनो, हमारे पास क्या आता था कि यूनिट फर्स्ट हमें दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट का ए और बी पार्ट, या फिर कीजिए आप क्वेश्चन सेकंड का ए और बी पार्ट, ये यूनिट फर्स्ट का पैटर्न होता है ना। तो अभी आपको बोला गया डू एनी 5, इसका मतलब है कि चाहे आप फर्स्ट क्वेश्चन करो चाहे आप सेकंड क्वेश्चन करो, लेकिन ए और बी पार्ट में आप नहीं चूज कर सकते, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि इसका ए पार्ट कर दिया और इसका बी पार्ट कर दिया, तो ये एक क्वेश्चन कंसीडर नहीं होगा। आपको एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट करने पड़ेंगे, जब दोनों पार्ट्स करेंगे तभी पूरा एक क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज उसको एक क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, क्लियर। तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। सेकेंड हमारे पास क्या आता है कि इसमें हम कितना पढ़ें, कितना यूनिट करें। वैसे देखा जाए ना तो ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस है, जो इवन सेमेस्टर का सिलेबस है ये आप कब पढ़ेंगे, कभी नहीं पढ़ पाएंगे, ग्रेजुएशन में तो कम से कम नहीं पढ़ पाएंगे। इसके बाद आपको जब आप MSc में जाते हैं या MSc एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं वहाँ दिक्कत आएगी, बिना पूरा ग्रेजुएशन सिलेबस किए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हम जब BSc कर रहे थे तो हमें भी सिलेक्टेड करवाया जाता था, जो कि बहुत ही गलत है, बहुत ही ज़्यादा। आपका लॉस कैसे है इसमें, लॉस इस टाइप से है कि जब एक तो सिलेक्टेड सिलेबस करवाते हैं, ऊपर से आपके डू एनी 5, आप तो 2 यूनिट पढ़ेंगे और बाकी खलास, जो पास होना चाहता है वो केवल एक यूनिट में ही पास हो सकता है, समझ रहे हो। मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन कर दिए, यूनिट फर्स्ट आपने कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट, तो यहाँ से आपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, आप पास हो जाएंगे यहाँ से। लेकिन आपका लॉस ये है कि जब आप मैथ्स में आगे बढ़ेंगे, MSc करेंगे, MSc एंट्रेंस या कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं मैथ्स रिलेटेड, बहुत सारा सिलेबस आप स्किप कर चुके होंगे, जो कि आप अभी नहीं पढ़ पाएंगे ग्रेजुएशन में। एटलीस्ट जो भी स्टूडेंट अभी 4th सेमेस्टर में है और वो 5th में जाएगा, तो 5th में तो ऑलरेडी इतनी सारी थ्योरम्स और थ्योरेटिकल पोर्शन आ जाएगा, और कंपैरिजन टू 4th सेमेस्टर काफ़ी टफ सिलेबस आ जाएगा आपका। और जो स्टूडेंट 2nd सेमेस्टर में है, 3rd सेमेस्टर में, उनका 2nd के कंपैरिजन में टफ सिलेबस आएगा,
अंडरस्टैंड। और जो सिक्स सेमेस्टर में ऑलरेडी है उनको तो ऑलरेडी जो लॉस हो ही चुका है ये लगा लीजिए, क्योंकि आप एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ये बुक्स फिर से पढ़नी पड़ेंगी। सिक्स सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर एमएससी एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस इस पूरे थर्ड ईयर में से आते हैं। ठीक है, तो चलो अभी हमें फोकस करना है करंट एग्जाम्स पर। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप नहीं पढ़ पाएंगे, जो होना था वो हो गया। अभी अपने एग्जाम पर फोकस करो कि कोई री ना आ जाए। बैक से डेफिनेटली बचिए आप, बैक नहीं आने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, अदरवाइज आप नेक्स्ट सेमेस्टर फोकस नहीं कर पाएंगे अच्छे से। अब हमें यहाँ पर ये पता है कि हमें कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं। मान लीजिए यूनिट फर्स्ट आपने कंप्लीट कर लिया, आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए। यूनिट सेकेंड ये भी आपने कंप्लीट कर लिया, आपका क्वेश्चन थर्ड का ए और बी पार्ट और क्वेश्चन फोर्थ का ए और बी पार्ट आपने दोनों क्वेश्चन यहाँ से कर दिए। टोटल कितने क्वेश्चन हुए? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 क्वेश्चन हो गए, यूनिट 2 हो गई कंप्लीट। अब कोई भी चैप्टर आप नहीं छोड़ सकते हो, ये भी ध्यान रखना। हम अगर सिलेक्टेड चैप्टर कर रहे हैं तो पूरा बुक करनी पड़ेगी फिर आपको, ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्टेड चैप्टर करोगे और बल्कि सिलेक्टेड में ज़्यादा रिस्क रहेगा आपके लिए। डू एनी फाइव के लिए एग्ज़ाम जो पेपर है कैसे सेट किया जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है ना कि अगर दो ही आपके पास एक यूनिट में दो ही चैप्टर्स हैं तो एक क्वेश्चन क्या पता एक से ले लिया जाए, उसका सेकेंड पार्ट बी से ले लिया जाए। और ये आपकी बार जी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो फेस भी कर चुके हैं, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। इसलिए आपको जो अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं वो स्टूडेंट अपना स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट किया कीजिए, वेट नहीं करना है। जैसे ही हमारे इवन सेमेस्टर एग्ज़ाम कंप्लीट होते हैं आप स्टार्ट कर दीजिए अपने और सेमेस्टर्स को बिना किसी वेट के। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन, और वहाँ पर कंप्लीट कोर्सेज बहुत अच्छे से करवाए गए हैं और आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए जी, हम बात कर रहे थे यहाँ पर यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड हो गया, यूनिट थर्ड। थर्ड यूनिट में हम कितना पोर्शन करें? देखिए थर्ड यूनिट अगर आती है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, यूनिट थर्ड, ठीक है, या फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स का ए और बी पार्ट, हमें करने हैं 5 ही क्वेश्चन। 2 यहाँ से हो गए, 2 यहाँ से हो गए और एक हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा। तो यूनिट थर्ड में अगर 3 चैप्टर, ध्यान से सुन लो, कोई भी सेमेस्टर हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए यूनिट थर्ड में आपके पास हैं 3 चैप्टर्स, चैप्टर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, तो आप स्टार्टिंग के 2 चैप्टर कर लेंगे तो आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट। अंडरस्टैंड, स्टार्टिंग के अगर आपने 2 चैप्टर कर लिए, मान लीजिए किसी बच्चे को पहले यूनिट टफ लगती है, फोर्थ यूनिट ईजी लगती है, तो आप वो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्लियर दैट। अगर यहाँ से हमारा अगर 3 चैप्टर हैं तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा फिफ्थ। अगर 2 ही चैप्टर हैं फर्स्ट और सेकंड, यूनिट थर्ड में केवल 2 ही चैप्टर हैं, तो यहाँ जो बच्चे अच्छा नंबर लेना चाहता है, जो बहुत जो टॉपर होते हैं बच्चे ना, जिनको लगन होती है पढ़ने की, दोनों चैप्टर करेंगे यूनिट थर्ड के, समझ रहे हो? क्यों करेंगे? क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता होता है, ये कोई रूल नहीं है यूनिवर्सिटी का कि एक पार्ट एक से लिया जाए और दूसरा पार्ट दूसरे चैप्टर से लिया जाए, ये कोई रूल नहीं है और ये कभी भी चेंज भी हो सकता है। और काफ़ी बार हमें देखा भी गया है कि के यू के यूनिवर्सिटी लगा लीजिए आप, आपकी बार जी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम आप उठा कर देखिएगा, तो वहाँ पर ऐसा कोई सिलेक्शन नहीं किया गया। वहाँ पर क्या किया गया है कि मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे फिफ्थ चल रहा है, ए पार्ट ले लिया फर्स्ट चैप्टर से और बी पार्ट ले लिया सेकंड चैप्टर से, इसी टाइप से सिक्स क्वेश्चन का ए पार्ट जाएगा फर्स्ट चैप्टर से और बी पार्ट जाएगा सेकंड चैप्टर से, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एग्जामिनर जो भी सेट करता है पेपर उसके मूड पर डिपेंड करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, वो चाहे एक चैप्टर से दोनों क्वेश्चन बना सकता है या दोनों ही एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट वो अलग अलग चैप्टर के भी दे सकता है, समझ गए? तो जो बच्चे पास होना चाहते हैं वो एक चैप्टर कर सकते हो, अगर यूनिट थर्ड में आपके पास एक चैप्टर है तो, मतलब मोटा मोटी अगर हम देखें तो 2.5 यूनिट आपको करने की ज़रूरत है, ओके? क्योंकि एक यूनिट से 2 क्वेश्चन बनेंगे, सिंपल सी बात है, हमें करने हैं 5 क्वेश्चन। बट यहाँ पे ये बेनिफिट है कि आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी यूनिट को कर सकते हो, कोई चैप्टर कर सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स आपको करने पड़ेंगे, ये ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको,
ऑल राइट, तो बेनिफिट यही होगा कि आप कोई भी यूनिट करो उसको कंप्लीट कर लो, कम से कम ये तो तसल्ली होगी कि यहाँ से पूरा क्वेश्चन हमारा, दो क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट है, चाहे उस यूनिट में दो चैप्टर हैं चाहे उस यूनिट में तीन चैप्टर हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि भाई यहाँ से एक यूनिट अगर मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो दो क्वेश्चन मेरे प्रिपेयर हो चुके हैं। ऑल राइट, तो ये एग्ज़ाम पैटर्न केवल CBLU के लिए था, बाकी बच्चे प्लीज़ इस पर गौर ना करें, आप अपने एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ें। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से पता कीजिए, और वैसे भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के, तो अब तो कन्फ्यूज़न होना ही नहीं है। लेकिन जैसे कि अभी 6th semester स्टार्ट हुआ है CBLU में, बाकी सेमेस्टर्स में भी यही एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, तो अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ भी सकते हो कि आप 4th semester के स्टूडेंट हैं या 2nd sem के स्टूडेंट हैं, तो आप पूछ भी सकते हो। मैं यहाँ पे नंबर आपको मैंशन कर देती हूँ, 8053633433। अगर अभी भी कोई डाउट है आपका एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, कोई भी डाउट है क्लियर कीजिए। 9416941982 दिस इज द व्हाट्सएप नंबर। ओके तो आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। सो अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत ही कम सिलेबस में बहुत अच्छे मार्क्स आप ले सकते हो। ज़्यादा सिलेबस हम नहीं पढ़ पाएंगे, इसका देखो लॉस आपको रहेगा, लेकिन अभी आप फोकस करो जो करंट आपके एग्ज़ाम्स हैं उन पर। जैसे आपके और सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएंगे तब आप टेंशन लीजिए, तब आप चिंता कीजिए कि अब मुझे स्टार्टिंग से ही पढ़ाई स्टार्ट करनी है, अब मुझे लेट नहीं होना है। जो हमारी इवन सेमेस्टर्स में भागा भागी हुई है वो हमें ओड सेमेस्टर्स में नहीं करनी है। तो स्टार्टिंग से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर।